गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ एकेडमी, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट SST, चैप्टर 3, टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। लेट गेट स्टार्ट। वी सी अ पिक्चर। यहाँ एक पिक्चर दिख रही है। यहाँ दो बच्चे जो हैं वो स्कूल से घर लौट रहे हैं पैदल। का नाम है अगाथा। ये दोनों जने पैदल पैदल घर लौट रहे थे। एक्चुअल में हुआ क्या है, जैन ने क्या किया, केला खाकर केले की जो छिलके हैं उसको वैसे ही डाल दिया। तो उसके बदले में जैन उससे बोल रही है, अगाथा जैन को बोल रही है, जैन डू नॉट थ्रो द बनाना पिल ऑन द रोड। जैन प्लीज़ ये बनाना की जो छिलके हैं इसको रोड पर मत डालो। तो उसके बदले में जैन ने अगाथा को आंसर दे रहा है, अगाथा इट इज़ जस्ट अ पील। जैन ने अगाथा से बोला, सिर्फ ये तो एक छिलका ही है। आई विल डू बिट इन कीपिंग माई सराउंडिंग क्लीन बाई ऑलवेज थ्रोइंग गार्बेज इन टू द डस्टबिन। ये तो छोटा सा हिस्सा है जो मैंने यहाँ डाला है, वैसे मैं जो भी है अपना जो गार्बेज है वो मैं मोस्टली डस्टबिन में ही डालता हूँ। तो उसके बदले में अगाथा ने जैन को आंसर दिया, इफ़ एवरीथिंग थिंक लाइक यू वी विल सून हैव नो स्पेस टू वॉक। वी शेयर आवर सिटी विथ मैनी अदर्स, सो वी मस्ट कीप इट क्लीन। यू कैन स्टार्ट विथ थ्रोइंग योर गार्बेज इन टू द डस्टबिन। तो अगाथा ने जैन से बोला, अगर तुम्हारे जैसा ही सोच और हर कोई सोचने लगे तो हमें जो स्पेस है इसमें चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। जो वी हैव नो स्पेस टू वॉक, हमें चलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। वी शेयर आवर सिटी विथ मैनी अदर्स, हम जो अपने शहर हैं उसको सबके साथ में शेयर करते हैं। सो इसीलिए हमें इसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, यानी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तुम भी कोशिश करो कि इसको क्लीन रखा करो और साथ में जो भी डस्टबिन है वो डस्ट है यानी गार्बेज है वो हम डस्टबिन में डालने की कोशिश करें। चलिए अब हम पढ़ेंगे, लेसन स्टार्ट करते हैं। आवर एनवायरनमेंट, मोस्ट ऑफ द थिंग दैट सराउंड अस, एयर, वाटर, लैंड, प्लैनेट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब जानते हो क्या होता है? एनवायरनमेंट मीन्स होता है अपने वातावरण। एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है? वातावरण। मोस्ट ऑफ द थिंग दैट सराउंड्स अस, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हमारे आसपास कौन कौन है? हवा है, पानी है, धरती है, प्लांट्स है, पौधे हैं, एनिमल्स है, जानवर हैं एंड ह्यूमंस, और साथ में मनुष्य भी है। आर द पार्ट ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट की एक हिस्सा है। आवर एनवायरनमेंट मस्ट बी क्लीन सो दैट वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। अगर हम अपनी वातावरण को साफ व स्वच्छ रखेंगे सो ही हम हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। अब आ जाइए हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण। द प्रोसेस बाय व्हिच द अर्थ एनवायरनमेंट्स इज डैमेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज पॉल्यूशन। ये जो प्रोसेस होती है जो धरती को पृथ्वी को जो है एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं, पृथ्वी के एनवायरनमेंट को, वो कौन करती है? मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज ही डैमेज करती हैं, उसके द्वारा ही पॉल्यूशन होती है। द हार्मफुल मटेरियल्स दैट कॉजेज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। जो हार्मफुल मटेरियल्स दैट होते हैं वो भी पॉल्यूशन की एक कॉजेज हैं, जिसे पॉल्यूटेंट बोला जाता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। इसमें अलग अलग तरीके की हमें पॉल्यूशन की जानकारी लेंगे, जिसका नाम एक तो हो गया लैंड पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन। एयर मीन्स होता है हवा में पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन, धरती का पॉल्यूशन और आवाज के पॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। व्हेन हार्मफुल गैसेस, डस्ट पार्टिकल, फॉर्म एंड स्मोक आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एयर, देयर कॉजेस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होती है? जब हार्मफुल गैसेस होती हैं, यानी खतरनाक गैसेस जो होती हैं, डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण होते हैं, फॉर्म्स एंड स्मोक्स होते हैं, स्मोक्स माने हो गया धुआं, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एयर, ये जब हवा में फैल जाती है इससे हमें क्या होती है, ये हमारी एयर पॉल्यूटेड होती है यानी एयर की पॉल्यूशन होती है।
trees help in removing harmful particles from the air. So cutting down the trees lead to increase in air pollution. So ये क्या करती हैं, जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करती हैं, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो रिमूव करती हैं हवा से. सो कटिंग डाउन द ट्रीज लीड टू इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन. इससे क्या होगा, अगर आप पेड़ पौधे काटोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पॉल्यूशन और बढ़ेगी. इसीलिए हमें पेड़ पौधा काटना नहीं चाहिए और पेड़ पौधे को काटने से बचाना चाहिए. पॉल्यूटेड एयर हार्म्स ह्यूमन एनिमल्स बर्ड्स प्लांट एंड अदर लिविंग थिंग्स एज वेल. ब्रीथिंग इज पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक. देखो पॉल्यूटेड एयर हार्म्स ह्यूमंस, ये क्या करता है, जो हवा में पॉल्यूशन होती है उससे ह्यूमंस की को हार्म कर रही है, यानी इंसानों को भी हार्म कर रही है और साथ में आपका एनिमल्स बर्ड्स प्लांट एंड अदर लिविंग थिंग, जिसके अंदर जान होती है, इन सबको नुकसान पहुंचा रही है. हार्म मीन्स क्या होता है, नुकसान पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचाना. ब्रीदिंग इज पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक. ये जो पॉल्यूटेड एयर यानी प्रदूषण दूषित हवा जो आप में सांस ले रहे हो, इससे हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं. अब पढ़ेंगे हम वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम. व्हेन हार्मफुल थिंग्स सच एज गार्बेज और वेस्ट इन मिक्स्ड अप विद वाटर इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन. अगर हम कोई हार्मफुल चीज़ें यानी जो दूषित चीज़ें जो खतरनाक चीज़ें होती हैं, जो हम गार्बेज हैं और जो वेस्ट मटेरियल जो है हम लोग पानी में डाल देते हैं, उससे क्या हो जाता है, पानी दूषित हो जाती है और इससे पानी का पॉल्यूशन होता है. पॉल्यूटेड वाटर इज डर्टी इन एंड इम्प्योर. जो दूषित पानी होता है वो बहुत ही गंदा और इम्प्योर होता है. इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. इसे हम पीने लायक नहीं समझते या इसको पी नहीं सकते. कुकिंग और क्लीनिंग आवर सेल्फ, ना ही इससे हम खाना पका सकते हैं, ना ही इससे हम साफ सफाई कर सकते हैं. ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन मेक अस सिक. अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है. अब हम पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन. लैंड धरती के पॉल्यूशन के ऊपर. वी यूज द लैंड दैट वी लीव ऑन फॉर्म फार्मिंग एंड ऑल्सो फॉर बिल्डिंग हाउसेज. जो धरती है हम किस किस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, एक हो गया आप उसमें रहते हैं हम धरती के ऊपर, और फार्मिंग, फार्मिंग यानी जो खेती बाड़ी होती है वो भी करते हैं, और उस धरती के ऊपर हमारी बिल्डिंग यानी घर मकान भी फ्लैट सब बनते हैं. इट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द थ्रोइंग ऑफ गार्बेज एंड अदर वेस्ट मटेरियल. ये कैसे गंदे होते हैं, जो गंदे चीज़ें हैं हम थ्रो कर देते हैं यानी फेंक देते हैं जहाँ तहाँ, और गार्बेज जो कूड़ा करकट होते हैं वो भी हम इधर उधर डाल देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी हम यहाँ वहाँ डाल देते हैं. इससे क्या होता है, हमारा धरती भी दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है. फार्मर ऑल्सो यूज केमिकल फर्टिलाइजर इन फील्ड. और जो किसान होते हैं वो भी अपनी खेती बाड़ी जब करते हैं तो जो केमिकल्स होते हैं वो भी फर्टिलाइज करते हैं, डालते हैं खेतों में, विच मेक द सॉयल लेस फर्टल एंड इवन अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इससे क्या हो जाता है, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अनफिट होते हैं, खाने लायक नहीं होते हैं, लेकिन उसको और मिट्टी भी हमारी क्या हो जाती है, उससे दूषित हो जाती है. अब हम पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन यानी आवाज़ पॉल्यूशन. नॉइज इज एन अनप्लेजेंट साउंड दैट डिस्ट्रैक्ट अस. जो नॉइज़ जो आवाज़ होती है वो एक अनप्लेजेंट है, वो हमारी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारी हमें भटकाती है. टू मच नॉइज दैट डिस्टर्ब्स आवर बॉडी एंड माइंड. ज़्यादातर आप ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करोगे, ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ सुनोगे तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचती है. इस कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन. इसे कहा जाता है नॉइज पॉल्यूशन यानी आवाज़ की ध्वनि प्रदूषण. सॉरी, नॉइज पॉल्यूशन में होता है ध्वनि प्रदूषण. हॉर्न ऑफ व्हीकल्स सच एज ट्रक कार एंड बसेस. लाउड म्यूजिक ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड सिमिलर एक्टिविटीज कैन कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन. हमें नॉइज पॉल्यूशन कैसे होती है, ध्वनि प्रदूषण कैसे होती है, देखो जोर जोर से व्हीकल्स की जो आवाज़ आती है, हॉर्न बजती हैं, जैसे आपका ट्रक हो गया, ट्रक देखा होगा आपने, ट्रक की कितनी जोर जोर से आवाज़ होती है, हॉर्न बजाते हैं जब,
कार्स एंड बसेस, कार्स में, कार और बसेस में भी हॉर्न्स होती हैं, वो भी अगर जोर जोर से बजाते हैं उससे भी हमें नॉइज़ पोल्यूशन होती है। उसके बाद लाउड म्यूज़िक, बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बजना, ये क्या होता है, इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होती है। रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स यानी जो फटाके फूटते हैं उससे भी आपकी आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होती है। और इसी तरीके की और भी चीज़ें होती हैं जिससे हमें नॉइज़ पोल्यूशन होती है। अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी लुक आफ्टर द प्लैनेट, हम अपने प्लैनेट को कैसे देखभाल करें। वी मस्ट बिकम मोर अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, हमें ये देखना होगा कि हम ये जो हार्मफुल इफेक्ट होती हैं उससे हम उससे पॉल्यूशन ना बढ़े और उससे अपनी जो पृथ्वी है उसको नुकसान ना पहुँचे। Therefore, we should learn the way of reduce pollution and take care of our environment. इससे हम कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो पृथ्वी है और धरती है इससे पॉल्यूशन रिड्यूज़ हो या कम कर सके, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे और सोचेंगे। ओके, आप लोग ये बुक जो है लेसन आप दोबारा से अपने आप से रीडिंग करिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो वो आप ग्रुप में मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।